Hey guys, welcome back to my new blog. तो guys, अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग कहीं घूमने तो जा नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत हो गई थी खराब। तो guys, परसों मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया था, इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाया था, वरना मैं डेली ब्लॉग का मन था मेरा इसलिए। तो guys, मैं आज ठीक हुआ हूँ तो अब मैं ब्लॉग करूँगा। तो guys, कल है राम मंदिर का उद्घाटन, ठीक है, तो एडवांस में हैप्पी दिवाली सबको कल के लिए, और कल राम मंदिर का उद्घाटन है। तो गाइस, इस वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट करना, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट नहीं आने चाहिए गाइस, ठीक है गाइस। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे फिर। और गाइस, एक और बात, मेरे साथ साथ मेरे दोस्त लक्ष्य की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस मोटे की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बिकॉज ऐसा हुआ था, मैं उसके घर पर गया था तो मैं उसके सामने खड़ा था तो उसने एकदम छींक मारी तो वो मेरे एकदम मुंह पे आ गई, फिर मैंने एकदम से मुंह वॉश किया। मुझे पता था मुझको जुकाम वुकाम ना हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे को जुकाम हो ही गया, इसलिए मुझको जुकाम हो गया वरना ब्लॉग आ गया होता, एक दो ब्लॉग तो आ गए होते अभी तक। तो अब आएंगे ब्लॉग, ठीक है गाइस। अभी भी मेरे मतलब पूरा ठीक नहीं हुआ, सिर में अभी भी दर्द होता है, होता क्या हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट फिर भी मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ। मैंने सोचा कर लेता हूँ आज ब्लॉग क्योंकि कल राम मंदिर का उद्घाटन है ना इसलिए, और दिवाली भी है तो मस्त दिवाली मनाएंगे, पटाखे वटाखे सब दिखाएंगे बढ़िया तरीके से आपको एक बार, ठीक है। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं नई नगर पास, एक टेमी खाने, अभी टिर्री में बैठे हुए अपने गली से निकले हैं, और भाई अभी बाइक लगती है सबसे बची हुई अभी टिर्री में, तो भाई ठंडी सड़क पे आ चुके हैं और अब जा रहे हैं नई नगर पार्क, और आसपास की गेस्ट हाउस वगैरह देख लो, और जगह दिवाली की सजावट हो चुकी है क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन है ना इसलिए। तो हमारे बगल में देख लो ग्रीन गार्डन, लेकिन आज ये ग्रीन नहीं है, आज ये है पिंक, और ये बगल में देख लो ये क्या है, वो बिजली घर नहीं है मतलब, वही समझ लो एक तरफ से, और इधर देख लो अब ये, और ये रही अपनी ठंडी सड़क, सारी की सारी क्या और ठंडी सड़क ही है। तो गाइस, हमारे एटा में लगी हुई है अभी डिवाइस फिलहाल, तो हम डिवाइस देखने की सोच रहे हैं कि जाया जाए, बट हमारे पास एक जेब में पैसा नहीं है तो फिर हम करेंगे क्या जाके, सिर्फ 40 रुपये हमारे पास जेब में इसलिए। तो गाइस, हम लोग कल का प्लान बना रहे हैं डिवाइस में जाने का, और परसों हमारे यहाँ हमारे डिवाइस में लंबी से लगता आए थे, और 28 तारीख को भी कोई आने वाला है बट मुझे उसका नाम नहीं पता है। तो जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जहाँ से भी देख रहे हैं, तो एटा में डिवाइस देखने जरूर आए, यहाँ पर बहुत अच्छी डिवाइस लगी, सारे झूले लगे हैं A to Z जितने भी होते हैं सारे के सारे झूले लगे हैं। और मैं जब लाजी लगी थी ना तो भाई आप लोग ब्लॉग देखा ही होगा, आसमानी झूला झूल के आए थे लोग, लेकिन वो मैंने दिखा नहीं पाया था बिकॉज मैं लग रहा था बहुत डर, बिकॉज मैंने पहली बार वो आसमानी झूला झूला था, ऐसा लग रहा था भाई हम लोग गए, अब कहानी खत्म है हमारी बस। और अब बगल में देख लो हमारे GT रोड पे आ गए हम, और ये रहे हम, और ये बैठा है इधर मेरे सामने, और फिलहाल हम सुगावा रोड पे आ चुके हैं और पहुंचने वाले हैं नई नगर गेट के सामने। वो है तो सुनहरी नगर बट उसके सामने जो कचड़ा पड़ा रहता है ना भाई, मैंने उसका नाम रख दिया कचड़ा नगर, जैसी भी साफ करने आती है भाई, सही बता रहा हूँ, उसका नाम तो सुनहरी नगर रखा है, पता नहीं किस आदमी ने सोचा था ये कि नाम। फिलहाल डिवाइस सभी गायब हो चुकी है, और ये रहा एक और गेट डिवाइस में जाने का, बट इधर से कुछ दिखाई नहीं देता है, लक्ष्य कहाँ से कौन से वाले गेट से चले, पहले वाले से दूसरे वाले से, पहले वाले से ठीक है। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं सुनहरी नगर पार्क में, नहीं हो रही है उसके बाहर हो रही है, हम लोग पहुंच चुके हैं, अब खाते पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं, मज़ा मार के हाँ मज़ा बांट देंगे, ठीक है। तो गाइस, दावत वावत सब खा ली है, ओके हो गया तो सब कुछ खा पी के, अब जूते पहनना हूँ मैं, मोटे ने तो पहन लिए, और पापा आ गए सुनहरी नगर गेट पे, तो हम लोग जा रहे हैं तो गाइस, ये अभी झूला झूल रहा है, अभी खाने के बाद झूल रहा है बेटा, उल्टी ना हो जाए, लग तो उल्टी है, सही रहा है वो लगता है पर होगी नहीं, जा चलो अब मैं झूलूंगा,
अब दोनों लोग झूलेंगे गाइस। पर कैमरा का डर है इसलिए हम कैमरा रख देंगे। गाइस मैं झूला झूल रहा था, अब ये झूल रहा है। मतलब झूल तो मैं भी इसके साथ ही रहा था, बट मेरे को घबराहट होने लगी अभी, तो मैं तो उतर गया। अभी ये झूल रहा है देखो, और धीमे धीमे करके अपनी स्पीड बढ़ा, ऐसे ही बढ़ा। और ऐसे मानू गाइस, जब मैं पहली बार आया था तब मैं इसे आता नहीं था, मेरे को आता था झूलना, तो मैंने इसे सिखाया था। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो ये झूल रहा है अभी। अब मैं झूलूंगा, अब मैं थोड़ा सही होगा, घबराहट हो रही थी तानी के झूलने पे। अब मैं जा रहा हूँ शरद यार, अब मेरी बना दे। देखो गाइस अपनी बनवाने के लिए पीछे है, मेरी नहीं बना रहा ये एक बार भी उतर के। गाइस मानू मैं चलते पे कूद जाता हूँ, ये नहीं कूद पाता है इतनी धीमे। मैं कूद के दिखाता हूँ अभी गाइस आपको। तो गाइस अब मोटा कर रहा है गाइस, देखना मेरे पैर में चोट लग गई है ना, इसलिए मैं ज़्यादा तेज से कूद नहीं पा रहा हूँ। ये कूद जाएगा अब, ये भी धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाता जा रहा है। भाई मैं तो थक गया, बहुत देर से झूल रहा हूँ इसलिए। लक्ष्य कूद 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 कोशिश तो की थी लेकिन कूद नहीं पाया गया गिरा नहीं, बस स्पाइडरमैन वाली पोजीशन बना रहा था ऐसे करके। ठीक है गाइस अब दोनों झूलेंगे, अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है हमारे पास, अब घर पे जाएंगे फिर। तो गाइस मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मेरी तबीयत मेरे को लग रहा है शायद ख़राब हो रही है, तो मैं इस वाले झूले पे आ गया हूँ और शरद उसी वाले पे है, दूसरी वाली पे मैं इस पर अभी बैठा हुआ हूँ। तो आपको अभी दिखाता हूँ वो क्या कर रहा है, हरकतें कर रहा है जंगली वाली। तो गाइस मैं घुमा रहा हूँ एक पैर से, देखो गाइस कैसे पागलपंती दे रहा है। तो ये तो तबीयत खराब हो गई है, मेरे को पता नहीं क्यों बहुत घबराहट सी बढ़ चली है, मेरे को लगा ऐसा उल्टी हो गया। देखो गाइस पीछे, देखो पीछे कैसे उधम मचा रहा है। तो गाइस अब देखो अंकल अभी आने वाले हैं, फिर हम जाएंगे अंकल के साथ। और देखो कोहरा कितना है, देखो पीछे देखो कोहरा, देखो आप गाइस देखो कैसे कर रहा है ये। तो गाइस देखो अभी हम आपको इधर का नज़ारा दिखाते हैं, कोहरा बहुत कोहरा हो गया। तो गाइस मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। ओए ओए मैं मार मारूंगा, उल्टा घुमा रहा है। तो गाइस ये वाला झूला ही उल्टा घुमा रहा है भाई, वैसी तबीयत मेरी खराब, मेरे को लग रहा उल्टी होगी, मत कर यार। तो गाइस ये मान नहीं रहा है, देखो अभी दिखा रहा है। और ये देखो कोहरा, आप कितना कोहरा हो रहा है ये टाइम में। तो अब मैं इसे झुलाता हूँ, कूद गया। हम लोग अभी खेल रहे हैं, फिर आपको बाद में बताते हैं क्या होता है। मेरे को परेशान करता है बहुत। तो गाइस हम शायद के पापा आ चुके हैं, तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। घर हम दोनों पीछे बैठे हुए, मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो रही है, मेरे को लग रहा था उल्टी हो ही रहेगी, तभी मैं बोल रहा था कि खाने के बाद झूला मत झूलो, मुझे तो उल्टी सी लग रही है। तो मेरे को भी गाइस सेम, अब देखो क्या होता है, घर पे जा रहे हैं हम, तो आपको रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं। अब देखो क्या हो हम लोगों के साथ, मेरे को भी यार, इसलिए तो मैं कह रहा था मत झूलो, बट नहीं तुम्हें तो झूलना था, इनकी वजह से हमें झूलना पड़ा गाइस। वैसे गाइस मज़ा भी बहुत आया कि अब मजे का सजा मिलेगी हम लोगों को, जो कोहरा कितना भी दिखाते हैं आपको, एक इतना कोहरा है। तो गाइस देखो कैमरे में दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, गाइस पता नहीं को कैमरे में दिखाई दे रहा है, हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है इतना ज़्यादा। देखो गाइस कितना कोहरा है, और ये देखो सुनहरी नगर को कचरा नगर बना रखा है हम लोगों ने, पर हम लोगों ने नहीं, यहाँ के लोगों ने, हमने इसका नाम कचरा नगर रख दिया है। तो देखो गाइस मोटा क्यों है, अरे थोड़ा पतला हो गया भाई, मैं पतला ही हूँ मेरे से मत लो। तो गाइस देखो कितना कोहरा है यहाँ पे, यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे भंडारे की तैयारी हो रही है, अभी आपको दिखा नहीं पाया। जाम लगा हुआ है यहाँ पे, देखो गाइस कितना जाम लगा है, कितना कोहरा है। देखो नेबाई वीआईपी पार्किंग, कितनी ट्रैफिक लगी है, कितनी
आ गए हैं अपनी गली में, अब हम लोग जा रहे हैं ये नीचे देख के। भैया पीछे ही देख रहे हैं। हमारी गली में थोड़े से गेस्ट रहते हैं ना, एक गेस्ट रहता है हमारी, वो दो जगह करता है, दो नंबर करता है, दो जगह है ना, तो नीचे देख के चलना पड़ता है। फिलहाल हम लोग अपनी गली में आ गए हैं, हम घर के तीन चार घर छोड़ के हमारा घर है। गाइस मेरे तो बहुत तबीयत खराब हो रही है, मैं तो घर पे जाके अब दवा खाऊंगा सबसे पहले। गाइस ये दवा खाएगा घर पे जाके। चलो मैं जा रहा हूं, बाय बाय। गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, तो आज है हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से सब लोग को पहले तो। और हम लोग अभी जा रहे हैं ठंडी सड़क पे हैं, घूमने जा रहे हैं आज सुबह सुबह नहा धो के। एक तो मोटा ही है, एक नहीं पता कौन है, इशू नाम है लेकिन इसका, ये आगे जा रहे हैं। और ये टाइम में अभी ऐसी सजावट हो चुकी है, अब मेरी गली में अभी आपको दिखाऊंगा जब हम लोग लौट के चलेंगे तब। तो फिलहाल हम लोग अभी चलते हैं। तो गाइस ये देखिए इतना अच्छा मंदिर सजा है, ये देखिए गाइस, ये तो सब रात में अच्छा लगेगा, जल रही है ना सब कुछ, ये सब रात में अच्छा लगेगा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे रैली है वहाँ पे, अब ये सब सिस्टम तो ख़त्म हो गया, अब ये सीधे यहाँ से वहाँ पे जाएगी काली मंदिर, तो जब चल रही है अब दिखाता हूँ आपको। गाइस ये हैं सारे लोग और अभी यहाँ से जाने वाली है, भंडारा चल रहा है फिलहाल तो अभी यहाँ पे, ये लक्ष वगैरह पता नहीं कहाँ चले गए, देखना पड़ेगा। सब गाने बज रहे हैं यहाँ पे, ये देखो पता नहीं उधर बज रहे हैं, वो सामने वो रखे हैं ना स्पीकर, वहाँ पे बज रहे हैं सामने। और अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं बस थोड़ी देर में ही। तेरा मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई, ये देखिए हनुमान जी बहुत सारे हैं, अंदर जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, अंदर इस घर में जा रहे हैं गाइस। ये अभी हम लोग वहाँ पे थे और अब यहाँ पे आ गए हैं, चले गए अंदर चले गए। गाइस ये देखो बाहर आ गए, पूंछ कितनी लंबी है वो भाई, ऐसी होती है। हाँ ये वाइट वाले हैं और भी हैं, तीन चार हैं अभी अंदर, एक तो वो खड़े हैं वो हाँ दिख गए सामने ना वही और एक ये देखो गाइस तो मुड़ नहीं रहे हैं यार हनुमान जी। और एक और गए गाइस, एक और आ गए, आ गए इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए। गाइस ये गाड़ी आ चुकी है और वो आ गए हनुमान जी पीछे से, सारे आ जाएंगे अभी, आ गए सारे, आ गए सारे, बस इतने ही है गाइस, इधर जाएगी ये, हम लोग इधर खड़े हो जाते हैं। ये गाइस सारे आ गए गाइस, खाना बनना है। और ये रहे हमारे विक्की चाचा सजावट करते हुए पूरे गैरेज की, क्योंकि आज हमारे इस गैरेज के बाहर चल रहा है भंडारा, वहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे।
और यही पूरे चाचा तुमने ही किया था ना पूरी सजावट जो चाचा ने की है। आगे पास चले, पास से जा, धीमे धीमे जा सैलून में, पास से जा, पास से ये देखिए गाइस, पेड़ दोनों आने चाहिए, पेड़ दोनों आए ज्यादा पहुंचो अंदर। अब ठीक है, और ये पूरी सजावट चाचा ने की है, रात में अच्छा लगेगा ये देखने में भी। ये देखिएगा एक बार भाई साहब, यहाँ पे चल रहा भंडारा। तो गाइस हमारी बुआ आज दीपक जला रही है, बिकॉज आज दिवाली है ना, इसलिए आज राज राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इसलिए मोदी जी ने कहा था हर घर में जगमग जगमग होनी चाहिए। और गाइस ये है राम मंदिर, फोटो मंगाई थी बुआ ने। गाइस ये बुआ रख रही है अपने घर पे दिए, ये देखिए गाइस अभी वो वाला जंगल रह गया है, और सब कुछ देख लीजिए भाई। मेरे घर पे नहीं पड़ी हैं जल्लर और दिए वगैरह नहीं जले, बिकॉज बाबा एक्सपायर हो गए थे ना इसलिए। और गाइस ये देखो मेरी पूरी गली, ये देखिए गाइस ये जल्लर पड़ी हैं यहाँ तक, इसी साइड में पड़ी हैं, पूरी गली में पड़ी हैं, पूरी गली में लाइट ज़्यादा चमक रही है, पूरी गली में पड़ी हैं गाइस। और बुआ ने दीपक रख दिए हैं, ये देखिए गाइस कितना मस्त कर लग रहा है ये वाला, मस्त तो सारे ही लग रहे हैं, बट दिस इज अ नेक्स्ट लेवल।